आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 10 मोस्ट रेटेड के ड्रामाज इन ईयर 2023। इसमें से जो 7 और 8 नंबर के हैं वो मेरे फेवरेट के ड्रामा है, और इसमें से एक जो लिस्टेड है के ड्रामा, उसने आज तक 622 मिलियन वॉच आवर कंप्लीट कर लिया। तो उसके जानने के लिए स्टे ट्यून विद मी। हेलो देयर, माय नेम इज श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे है स्वीट होम, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं। जो सेकंड सीजन था वो 2023 में अपलोड हुआ है और इसकी आईएमडीबी रेट है 7.3। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में एक हाई स्कूल का लड़का दिखाया गया है जिसकी पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में चली गई होती है, और वो काफ़ी डिप्रेशन में होता है, और एक दिन वो सोच लेता है कि वो सुसाइड करेगा। बट उसी टाइम उसको पता चलता है कि पूरी जो दुनिया है वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ सम वायरस, और उसको भी वो वायरस लग गया होता है। बट फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो वायरस को ओवरकम कर लेता है और वो अब हाफ ह्यूमन एंड हाफ मॉन्स्टर हो चुका होता है। अब वो कैसे लोगों को बचाता है, कैसे इसमें फाइटिंग दिखाई गई है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखी है देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि ये आप ड्रामा ज़रूर देखें। नंबर 9 पे है हमारी लिस्ट पे है डेस्टिन विथ यू, जिसके आईएमडीबी रेट है 7.6, और वो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी अगर आपको देखना है तो। अगर इसकी थोड़ी हम स्टोरी की बात कर ले तो इसमें एक स्पेल बुक होती है, वो अंतर मंतर करने वाली जो बुक होती है वही, तो वो जो बुक होती है वो हमारी जो सीरीज की एक्ट्रेस है उसके हाथ लग जाती है। अब होता ये है कि इसमें अलग अलग स्पेल्स होते हैं, और हमारी जो एक्ट्रेस है उसको अपनी कंपनी में एक बंदा है उससे उसको क्रश होता है, तो उसके लिए वो एक लव स्पेल बनाती है। बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वो जो लव स्पेल होता है वो हमारा जो मेन कैरेक्टर है सीरीज का वो पी लेता है, और फिर आगे क्या ड्रामा होता है उसको जानने के लिए ज़रूर आप देखिए डेस्टिन विथ यू। नंबर 8 पे है अ टाइम कॉल्ड यू, इसके आईएमडीबी रेट है 7.8, और ये मेरी फेवरेट के ड्रामा है, और अगर आपको इसको देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और इसकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें फैंटेसी और थोड़ी टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी दिखाई गई है, तो अगर आपको टाइम ट्रैवल देखना पसंद है देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये ज़रूर देखें। इसकी स्टोरी भी काफ़ी यूनिक है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। नंबर 7 पे है माय डीमन, जिसके आईएमडीबी रेट है 7.8, और ये मेरी फेवरेट के ड्रामा है, और अगर आपको देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी देखनी। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये एक फैंटेसी कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें अगर स्टोरी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि एक डीमन होता है, उसके हाथ में एक टैटू होता है जो ट्रांसफ़र होके हमारी जो दो ही एक्ट्रेस है उसके हाथ में आ जाता है, और फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। इसमें थोड़ा थ्रिलर पार्ट और थोड़ा सस्पेंस भी दिखाया गया है, तो अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हो माय डीमन। नंबर 6 पे आती है कास्ट अवे डीवा, जिसकी आईएमडीबी रेट है 8.0, और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। इसमें स्टोरी की थोड़ी बात करें तो क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसको सिंगर बनना होता है, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से वो 15 साल डेजर्टेड आइलैंड में अकेले बिताती है, और फिर जब वो सोल वापस आती है तो उसको पता चलता है कि वो काफ़ी पीछे रह गई है दुनिया से। अब उसकी पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे वो फिर भी अपना जो ड्रीम है वो कंटिन्यू रखती है, और वो कैसे सिंगर बनती है। अब बारी है हमारे टॉप 5 मोस्ट रेटेड के ड्रामास की। तो अब तक अगर आप देख रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप सब्सक्राइब करें। नंबर 5 की अगर बात करें तो उसमें आती है वेलकम टू सामदालवी, जिसके आईएमडीबी रेट है 8.1, और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी अगर आपको देखनी हो तो। थोड़ी स्टोरी की बात कर लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक फोटोग्राफर होती है, वो काफ़ी फेमस होती है, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको अपनी जॉब छोड़ के अपने जेजू आइलैंड के पास उसका होम टाउन होता है वहाँ पे वापस आना पड़ता है, और अब जब वो अपने होम टाउन वापस आई होती है तो वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फिर से मिलती है, और कैसे उनका अनफिनिश जो रोमांस होता है वो फिर से कंटिन्यू होता है, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
नंबर फोर्थ पे आती है मूविंग, जो अवेलेबल है हॉटस्टार पर और इसकी आईएमडीबी रेट है 8.5। ये एक फैंटेसी एडवेंचर एंड एक्शन ड्रामा है जिसकी जो स्टोरी है वो तीन हाई स्कूल स्टूडेंट के ऊपर होती है जिनके पास सुपरनेचुरल एबिलिटीज होती है, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इनके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो कैसे उनसे बचते हैं और क्या एक्शंस होती है, उसके लिए तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। अब बचा है टॉप थ्री के ड्रामा, जिसमें नंबर थ्री पे आती है द ग्लोरी, जिसने अभी तक 622 मिलियन का वॉच आवर कंप्लीट कर दिया है। इसकी स्टोरी की बात करें तो ये जो पूरी स्टोरी है वो रिवेंज के बेसिस पे होती है। एक हाई स्कूल स्टूडेंट गर्ल के जिसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बुली किया गया होता है उसको, और वो कैसी अपनी पूरी लाइफ डेडिकेटेड कर देती है रिवेंज लेने में। नंबर सेकंड पे आती है अ गुड बैड मदर, जिसके आईएमडीबी रेट है 8.4, और ये एक सन एंड मदर की कहानी दिखाई गई है, और इसमें जो सारे कैरेक्टर है उनके जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। तो ये अगर आपको ड्रामा देखना है तो आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पर। अब नंबर फर्स्ट पे आती है दैट्स गेम, जिसकी आईएमडीबी रेट है 8.6, और ये आपको अमेजोन प्राइम पे मिल जाएगी अगर आपको देखना है तो। इसकी अगर हम ड्रामा की बात करें तो ये ड्रामा फैंटेसी और थ्रिलिंग, एंड इसमें थोड़ा रोमांस का कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया है। इसमें होता ये है कि जो हमारा हीरो है वो सुसाइड कर लेता है, और जो डेथ होती है उसको 12 चांसेस देती है अपनी लाइफ फिर से जीने की। और इसमें काफ़ी सारे फेमस एक्टर के कैमियोज भी दिखाए गए हैं जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट हाईली रेटेड के ड्रामा ऑफ द ईयर 2023। इसमें से आपने कितने देख लिए और कितने बाकी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सारंगे।